अस्सलाम वालेकुम। ज़िना, शराब, जुआ और बहुत सी इस तरह की जो गुनाह हैं आज हमारे माशरे में प्रिवेल कर चुके हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल क्यों है, उसको रोक क्यों नहीं पा रहे? मेरी आज की वीडियो का मकसद यही है कि आखिर हम इसको क्यों नहीं रोक सकते, इसकी वजह क्या है। मेरी ये एक डेढ़ दो मिनट की वीडियो है, बराए मेहरबानी इसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म है तो बहुत सारे भाई बहन इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो इस गुनाह से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मैं उन भाई बहन से करना चाहता हूँ कि जो इसको रोकना चाहते हैं, जो रोकने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं वो फिर भी रोक सकते, उसकी वजह क्या है? तो मेरे भाई बहनों, उसकी वजह ये है कि जब आप किसी को रोकते हो बुरे काम से तो आपका तरीका ठीक नहीं होता। आप उसको इस अंदाज में कह रहे होते भले ही आप उसका अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो उसको फील करता है और उस आपकी बात मानता नहीं है, बल्कि वो आपसे नाराज हो जाता है। इसलिए क्या चाहिए, हम अपने इखलाक से अच्छे तरीके से उसको बिठा के प्यार से समझाएं। डॉक्टर किसी को जब मेडिसिन देता है तो वो मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, उसका दिल नहीं चाहता लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस मेडिसिन को जरूर लेता है। क्यों? उसे पता है इससे मुझे शफा मिलनी है। तो आज हमारे माशरे में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारा समझाने का तरीका नहीं ठीक। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो का मकसद यही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन जो किसी को नसीहत कर रहे हो तो बराए मेहरबानी, आपकी बात बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं आप, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा प्यार डाल दिया करें, उसको मोहब्बत के साथ बिठा के समझाया करें, बजाय इसके कि आप उसको गुस्से में कहें, आपको शर्म नहीं आती, आपकी माँ बहन नहीं है, फलां फलां इस तरह की आप बातें गुस्से में करेंगे तो अगला बंदा कभी भी आपकी बात को मानेगा नहीं, उल्टा वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी जिससे भी आप कोशिश करें, जिसको भी सीधा करने की या किसी को अच्छी नसीहत करने की, तो खुदा के वास्ते अपना इखलाक अच्छा करके प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाएं, ताकि आप हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो एक अच्छी कौम बन सके। खुदा हाफिज़।